हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदम टॉपिक की, जो कि सीबीआई, एआईसी और आईबीपीएस आईटी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एल्गोरिदम्स में हमारे पास कई तरह के एल्गोरिदम्स होती हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एल्गोरिदम्स को क्यों पढ़ते हैं और एल्गोरिदम्स का एप्लीकेशन बेसिकली ओवरऑल किधर किधर होता है। सो उस पूरी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और एल्गोरिदम से रिलेटेड जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनको कैसे समझना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हुए व्हाट इज अ एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स दैट इज टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन। सो होता क्या है, बेसिकली वी हैव अ प्रॉब्लम, ओके, मीन्स वी हैव अ क्वेश्चन। For that we have to find a solution. So we have a problem and for this particular problem we need a solution. And how we'll need the and get that particular solution is with the help of algorithm. So हम algorithms का use करेंगे और उस particular problem से solution की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो algorithms है वो क्या है, वो basically हमारे पास कुछ set of rules है, basically हमारे पास कुछ एक SOP है जिसको फॉलो करते हुए हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को हर बार सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक एल्गोरिथम केवल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम वन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। उस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जब भी हम वो इनपुट हमारे एल्गोरिथम को फीड करेंगे, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हाउ एल्गोरिथम्स वर्क इन द कंप्यूटर साइंस एनवायरमेंट और इन अदर कॉमन सिनेरियोज एज वेल। After that thing, what are the characteristics of the algorithm? So, क्या फीचर्स होते हैं एक चीज को एल्गोरिदम कहने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ 10 लाइन्स लिख दी और मैं कह दूं कि नहीं ये एक एल्गोरिदम है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को एल्गोरिदम कहेंगे। और वो सेट ऑफ रूल्स कैसे एल्गोरिदम में कन्वर्ट होंगे, उसके लिए ये हमारे पास 5 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है हमारे पास इनपुट। सो बेसिकली सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी एल्गोरिदम हम लिखेंगे, हमारा जो भी एल्गोरिदम है, समझ लीजिए ये एल्गोरिदम मशीन है, ओके। सो इस एल्गोरिदम मशीन के पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, इससे आउटपुट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इसको इनपुट दिया और हमें आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले पहली दो चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो इनपुट और आउटपुट होता है। इस एल्गोरिदम को चलने के लिए सबसे पहले मस्ट चीज है इनपुट और इस एल्गोरिदम को सक्सेसफुल बनाने के लिए दूसरी चीज है आउटपुट। उसके बाद तीसरा है डेफिनेटनेस। सो डेफिनेटनेस क्या होती है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम इनफाइनाइट लेंथ पे जा रही है या फिर इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हमारी एल्गोरिदम चलती ही जा रही है, एल्गोरिदम कभी खत्म नहीं हो रही है। मतलब कि कुछ टाइम होना चाहिए जिस टाइम में हमारी एल्गोरिदम रन होके हमें आउटपुट देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि वो एल्गोरिदम कितने टाइम के लिए चलने वाली है। तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए कि अगर हमने एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में इनपुट फीड किया है तो आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट स्पेस वी विल नीड एंड वी विल गेट द आउटपुट, ओके। तो ये होता है डेफिनेटनेस, एल्गोरिदम शुड बी डेफिनेट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जिसको कहते हैं फाइनाइटनेस। सो फाइनाइटनेस का भी समहाउ यही मतलब होता है कि जो एल्गोरिदम होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी लेंथ एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि अगर मैंने इनपुट दिया है तो मुझे आउटपुट मिलना ही मिलना चाहिए। द एल्गोरिदम शुड बी इफेक्टिव इन नेचर, इट मीन जो मुझे आउटपुट चाहिए मुझे वही आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे आउटपुट एक डेविएटेड आउटपुट मिल रहा है या वो आउटपुट हमारा हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट के लिए सही नहीं चल रहा है। तो अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स ये पांचों कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, एल्गोरिदम है। तो किसी भी चीज को एल्गोरिदम बनने के लिए हमें ये 5 पॉइंट उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल में अप्लाई करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट थिंग वी हैव एल्गोरिदम्स एनालिसिस। सो बेसिकली हम जब भी एल्गोरिदम लिखेंगे तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए और मेरे पास समझ लीजिए चार तरफ से सॉल्यूशन आते हैं, चार लोगों ने मुझे सॉल्यूशन दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ओके। अभी इन चारों सॉल्यूशन से मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो मेरी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो पा रही है इन चारों से तो फिर मैं कैसे चूज करूंगी इन चारों में से मुझे कौन सा यूज करना है एल्गोरिदम। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम की एनालिसिस करते हैं।
एक एनालिसिस होती है एल्गोरिदम की सिंगल लेवल पे और एक होती है कंपैरिजन लेवल पे, ठीक है। तो वो पूरी चीजें हम समझते हैं। सो देयर आर मेनी एल्गोरिदम टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने कहा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई भी तरीके हो सकते हैं। नाउ ऑन व्हाट बेसिस आई एम गोइंग टू चूज अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, एल्गोरिदम शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एंड डीबग। सो जो भी एल्गोरिदम हम चूज करने वाले हैं, हमें ये श्योर रखना है कि वो एल्गोरिदम जितनी इजी हो सकती है वो उतनी इजी हो, लिखने में आसान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हो रही है तो भी हमें उन्हें एक मॉडल फॉर्मेट में यूज करना है और वो एल्गोरिदम डीबगिंग के लिए यूजफुल हो। मतलब कि अगर हमें डीबग करना है पर्टिकुलर एल्गोरिदम को, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को डीबग करने में। तो ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। उसके बाद एल्गोरिदम शुड मेक एन एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज लाइक सीपीयू एंड मेमोरी। सो जब भी हमारी एल्गोरिदम किसी मशीनरी पर चलेगी, तो उस मशीन के पास दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ रिसोर्स। वन इज द टाइम एंड अदर इज द स्पेस। सो टाइम इज रिलेटेड टू द सीपीयू एंड स्पेस इज रिलेटेड टू द मेमोरी। सो टाइम एंड स्पेस को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरह से वो एल्गोरिदम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रही है। आफ्टर दैट व्हेन वी हैव टू यूज द प्रोग्राम फॉर अ फ्यू टाइम वी कैन गो फॉर वन, एंड वी हैव टू यूज द प्रोग्राम फॉर मेनी टाइम्स वी कैन गो फॉर टू, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रनिंग द प्रोग्राम इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इन केस ऑफ टू। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी हैव रिटन हियर। सो अगर हमको किसी चीज को लिखने में ज्यादा समय लग रहा है, किसी चीज का एग्जीक्यूशन में ज्यादा समय लग रहा है, किसी चीज में स्पेस ज्यादा ले रहा है, तो कॉस्ट ऑफ राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय दिस थिंग। सो हमें हमेशा कोशिश करनी कि ये वाला पॉइंट हमारा कम से कम रिसोर्स ले रहा हो। आफ्टर दैट थिंग कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइम आर द इम्पोर्टेंट थिंग एज आई सेड ऑलरेडी, एंड इन दोनों चीजों को हम यूज करते हैं टू एनालाइज एनी एल्गोरिदम। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आ जाती हैं, एक होती है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी होती है हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन दोनों चीजों की मदद से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है और कौन सी एल्गोरिदम अच्छी नहीं है। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डील्स विद द स्पेस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनपुट डेटा एज वेल एज द इंटरमिटेंट डेटा विच इज जनरेटेड बाय द एल्गोरिदम। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्चुअली द थिंग जो कि हमारी रनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को यूज करती है। मतलब कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लग रहा है वो हमें चेक करना है, और कितना टाइम लगेगा इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिसकी मदद से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितना टाइम लगने वाला है अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले इनपुट क्या है प्रोग्राम का, क्या प्रोग्राम का इनपुट सॉर्टेड है, नॉन सॉर्टेड है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, लार्ज है, स्मॉल है। तो इनपुट ऑफ द प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आफ्टर दैट साइज ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड, हमारे पास कितना लाइंस का कोड है, लाइन ऑफ कोड्स कितने हमारे पास, वो हमें देखना है। देन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सेट्स, मशीन ऑन विच इट इज एग्जीक्यूटिंग। सो कंपाइलर पे है, इंटरप्रेटर पे है, किस टाइप से हो रहा है, प्रोसेस क्या है, आर्किटेक्चरल टाइप लेवल पे। टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द मशीन इंस्ट्रक्शन, सो जैसे हमें पता है हमारा सोर्स कोड हमारा नॉर्मल यूजर लैंग्वेज में लिखा जाता है, देन इट गेट कन्वर्टेड टू मशीन इंस्ट्रक्शन और मशीन इंस्ट्रक्शन फाइनली एग्जीक्यूट होते हैं। तो कितना टाइम लग रहा है मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, और फिर इन सारी चीजों से हमको पता चलता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम ऑफ दैट प्रोग्राम। सो ये सारी चीजों को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, ध्यान में देते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या पर्टिकुलर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आफ्टर दैट वी हैव द मेजरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ रेट। तो अभी हमारे पास ग्रोथ रेट करके एक मेजरमेंट की यूनिट होती है जिसमें हम असिम्प्टोटिक कंसिडरेशन करते हैं। व्हेन वी डू एन एनालिसिस मेक श्योर अ नोट दैट वी डोंट डू फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट। ओके, जब भी हम एल्गोरिदम की एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द असिम्प्टोटिक कंसिडरेशन, हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होती हैं मिनिमम वी शुड हैव टू एल्गोरिदम्स। ओके, दैट इज डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर द सेम प्रॉब्लम, लाइक फॉर अ सेम प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्यूशन A1 एंड A2 जिनके लिए दो अलग अलग एल्गोरिदम है। एंड हियर वॉट इज नीडेड दैट n शुड बी वेरी 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 लार्ज। n इज क्या, n इज द इनपुट विच इज इन्वॉल्व विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो जब भी A1 और A2 को हम बड़ा इनपुट दे रहे हैं, सो हमें क्या चेंजेस दिखने को मिल रहा है। अभी हम बड़ा इनपुट क्यों लेते हैं, इसका रीजन है, मान लीजिए n 1 है दोनों केस में, तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर चीज ले रही है 1 नैनो सेकेंड और ये ले रही है 1 मिली सेकेंड। सो हमें 1 इंस्ट्रक्शन मतलब 1 इनपुट को एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 नैनो सेकेंड 1 मिली सेकेंड हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी बेटर जा रही है। लेकिन अगर इसी एन को मैं
10 टू द पावर 6 कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे पता चलेगा डिफरेंस कि 1 नैनो सेकंड और 1 मिली सेकंड हमारे लिए कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू छोटी है। सो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि किसको टाइम कम लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा एन शुड बी वेरी लार्ज, जो इनपुट साइज है दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी लार्ज व्हेन वी आर कंपेयरिंग द एल्गोरिथम्स। आफ्टर दैट वी कैन कंसिडर द एफर्ट्स एंड टाइम, ओके। सो व्हाट वी डू, वी बेसिकली मैप ऑन टू एक्सेस, वन इज द एफर्ट एक्सेस एंड वन इज द एन, दैट इज द साइज। सो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जिन फंक्शंस को हमको स्टडी करना है। ये एक नॉर्मल ग्राफ है जिससे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट ग्राफ है, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये समहाउ डेविएटेडली इंक्रीज कर रहा है। तो क्या एफर्ट है, जैसे कि जैसे एन बढ़ रहा है, तो जैसे कि इस वाले में बात करूं अगर मैं, तो एन चाहे जितना हो जाए हमारा टाइम जो है, जो एफर्ट लग रहा है हमको, वो सिमिलर लग रहा है। यहाँ पर क्या है, एन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एफर्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ क्या है, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है थोड़ी दूर तक तो हमारा एफर्ट बढ़ता है और फिर हमारा एफर्ट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। सिमिलरली इस तरह से अलग अलग लाइंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या ट्रेंड है व्हेन द एफर्ट इज गेटिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इनपुट। सो सबसे पहला जो एल्गोरिथम एनालिसिस में एसिम्प्टोटिक कंसीडरेशन में आता है वो आता है बिगो नोटेशन। सो व्हाट इज बिगो नोटेशन, सो इट इज बेसिकली द अपर बाउंड एंड इट इज एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड, ओके। द पॉइंट इज इट इज एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड फॉर द फंक्शन। सो व्हाट इट सेज बेसिकली, इसका फंक्शन का पहले हम मैथमेटिकल तरीका समझते हैं, फिर हम इसका एक नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि ये मतलब बोलना क्या चाह रहा है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू फंक्शन वेयर एफ एक्स इज सेड एज बिगो ऑफ जी एक्स, ओके। इट मीन्स एफ एक्स इज सेड एज बिगो ऑफ जी एक्स इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर्स और द रियल कॉन्स्टेंट सी एंड के सच दैट एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन fx is always less than or equal to c dot gx for all x greater than or equal to k. So for x having some value that is k, so हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक पॉइंट के बाद हम कंसिडरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें एक पॉइंट तक पता नहीं चलता है कि क्या आउटपुट और क्या इनपुट का रिलेशन, या फिर हमें कितना टाइम लग रहा है चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी एक्सेस है साइज की वो आफ्टर अ पॉइंट के, एंड जो हमारा एफर्ट है व्हेन वी गेट इट मल्टीप्लाइड बाय आर सी कांस्टेंट नंबर, एक बिहेवियर ऑब्जर्व होना चाहिए जिसमें एफएक्स जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए सी ऑफ जी एक्स से। सी इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिफोर के वी हैव दिस थिंग फॉर एफ ऑफ एक्स एंड वी हैव दिस थिंग फॉर जी एक्स। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी एक्स हमारा ऐसा चल रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारा जो छोटे इनपुट्स है फॉर लेट्स से के बिलो के, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी जी एक्स से बड़ा हो रहा है, कभी जी एक्स से छोटा हो रहा है, फिर जी एक्स से बड़ा हो रहा है, लेकिन इस सर्टेन पॉइंट के बाद एफ एक्स हमारा हमेशा जी एक्स से छोटा ही है। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो हमेशा एक ऐसा एरिया है जो इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इस एरिया को हमेशा ओवरलैप कर रहा है, एक अपर बाउंड है। ये मान लीजिए इस लेवल पर है तो ये इस लेवल पर है हमेशा, सो इट इज एन अपर बाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो ये मतलब होता है बिगो नोटेशन का। बिगो नोटेशन का मतलब क्या है कि एक जो फंक्शन है वो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ के दैट इज द इनपुट साइज, हमारा जो अदर फंक्शन है वो हमेशा उससे बड़ा होने वाला है, ठीक है। कितना भी बड़ा हम ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन एफ एन जो है इसकी मैक्सिमम रीच कितनी जा रही है, इतनी जा रही है जी एक्स तक जा रही है, और जी एक्स ऐसा फंक्शन है जो हमेशा एफ ऑफ एक्स को अपने पास रख सकता है, मीन्स वो उसका अपर बाउंड बन सकता है, ठीक है। तो यही पर्टिकुलर थिंग हमने यहाँ पर लिखी हुई है और सेम चीज यहाँ पर इस फॉर्मुले में भी दिख रही है। यहाँ पे के की जगह एन नॉट हो गया है, यू कैन सी इट है वेयर एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे अब आपको ये फंक्शंस को समझना है, यहाँ तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, अभी यहाँ पर हमको ये फंक्शंस को समझना है ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे एन स्क्वायर को लिखा है बिगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पता है कि हर एक फंक्शन एफ ऑफ एन खुद के लिए भी एक अपर बाउंड के जैसे ही काम करेगा, क्योंकि एनी हाउ हम एफ ऑफ एन अगर है तो हम एफ ऑफ एन के तो ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एन है तो एवरी फंक्शन विल ऑल्सो बी अपर बाउंड फॉर इट्सेल्फ, ओके। ये पर्टिकुलर इक्वेशन उसके लिए है। अब ये वाली इक्वेशन में देखिए,
एन स्क्वायर है और एन, तो ये फंक्शन हमारा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये फंक्शन हमारा धीरे से बढ़ रहा है, तो इसका अपर बाउंड क्या होना चाहिए, जो फंक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1000 टाइम्स एन है, लेकिन जब एन हमारा बहुत बड़ा है तो हमें इस कॉन्स्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी हमारा एन स्क्वायर काम करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एन फंक्शन किसका है, ये एन स्क्वायर का है, ये एन का है, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखेंगे तो एन हमेशा एन स्क्वायर से छोटा जाने वाला है, मतलब अगर एन ऐसे जा रहा है तो एन स्क्वायर डेफिनेटली उसके ऊपर से जाएगा, ठीक है, तो हमेशा उसको कंसीव करके रखेगा। देन वी हैव एन अपॉन 1200, सो ये भी इससे छोटा ही रहेगा, तो कह सकते हैं कि एन के अपर बाउंड की तरह से ये भी काम करता है, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, एन फोर, ये सारे काम करने वाले हमारे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या एन स्क्वायर लॉग इन है, तो इसको पर्टिकुलरली एन स्क्वायर कैप्चर करेगा, क्योंकि लॉग इन का फंक्शन हमेशा छोटा रहेगा इससे। तो इस तरह से व्हाट यू कैन डू, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बिग ओ ऑफ ओ नोटेशन इज ट्राइंग टू से। इट इज जस्ट सेइंग कि एक पर्टिकुलर फंक्शन हमेशा ऐसा फंक्शन रहेगा जो कि हमारे जो एफ ऑफ एक्स, जो मेन हमारा ऑपरेटिंग फंक्शन है, उससे हमेशा अपर बाउंड के जैसे एक्ट करेगा। ये बिगो का नोटेशन है। अगर बिगो का नोटेशन समझ में आ गया है तो दूसरे बाकी नोटेशन भी आराम से समझ में आ जाएंगे। लेट्स सी दीज अदर टू नोटेशन विच आर कॉल्ड एज दी बिग ओ नोटेशन फॉर द अपर बाउंड फंक्शन, ओके, एंड दी थीटा नोटेशन एंड दी ओमेगा नोटेशन, ओके। सो यहाँ पर जस्ट एज बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड द असिम्प्टोटिक अपर बाउंड फॉर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड द अपर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड फॉर दर असिम्प्टोटिक थिंग, ओके। सो ये चीज क्या देगी, हमको लोअर बाउंड देती है। यहां पर क्या बोलता है कि जो हमारा एफ ऑफ एन है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जी ऑफ एन से, ठीक है। अभी हमारे पास जी ऑफ एन कुछ ऐसा जा रहा था और एफ ऑफ एन हमेशा उससे कम जा रहा था, लेकिन अब हमारे पास कैसा होने जा रहा है, अब हमारे पास होने जा रहा है, ये हमारा एफ ऑफ एन होने जा रहा है और एक जी ऑफ एन फंक्शन है जो हमेशा इससे नीचे होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एन कैसा काम कर रहा है, एज अपर बाउंड, बट दिस फंक्शन इज कॉलिंग एज लोअर बाउंड, इट मीन्स एफ ऑफ एन का वैल्यू इससे नीचे क्या ही जाएगा, ठीक है। तो उसको आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन हमारे पास हमेशा रहेगा, देयर विल एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एंड एन नॉट, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, वेयर जी ऑफ एन व्हेन गेट मल्टीप्लाइड विद सी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर द लोअर बाउंड फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एन। नाउ वी हैव थीटा नोटेशन, सो थीटा नोटेशन सेज दैट इट इज अ असिम्प्टोटिक टाइट बाउंड। सो ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है ये समहाउ लूज बाउंड्स हैं, ओके, बाउंड इनका लूज है कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक रेंज दे रहे हैं, लेकिन जो थीटा नोटेशन है ये कहता है ऐसा नहीं है, आई एम अ असिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे थीटा नोटेशन एक फंक्शन को बाउंड करता है ऊपर और नीचे दोनों से, जैसे कि हमारा बिगो हमारे फंक्शन को ऊपर से बाउंड कर रहा है, हमारा ओमेगा यहाँ से नीचे से बाउंड कर रहा है, लेकिन हमारा जो थीटा फंक्शन है वो क्या कहता है, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एन है तो मैं उसको ऊपर से भी बाउंड करूंगा और मैं उसको नीचे से भी बाउंड करूंगा, मतलब मैं उसकी एक लिमिट सेट कर दूंगा, ओके। सो इट डिफाइन द एग्जैक्ट असिम्प्टोटिक बिहेवियर कि फंक्शन किसके ऊपर नहीं जा सकता, फंक्शन किसके नीचे नहीं जा सकता। सो इफ एफ ऑफ एन इज अ थीटा ऑफ जी ऑफ एन, देन एफ ऑफ एन इज ऑलवेज बिटवीन सी वन ऑफ जी एन एंड सी टू ऑफ जी एन। सो आप इसको सी वन ऑफ जी एन मान लीजिए और इसको आप सी टू ऑफ जी एन मान लीजिए, वेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, एंड द डेफिनेशन ऑफ थीटा ऑल्सो रिक्वायर्स दैट एफ ऑफ एन मस्ट बी आर नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दैट इज ग्रेटर देन एन नॉट। सो एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इस एक्सिस के ऊपर आनी चाहिए, एफ ऑफ एन हमारा इस तरह का नहीं हो सकता, ये एफ ऑफ एन हमारा इस तरह का नहीं हो सकता आफ्टर अ पॉइंट एन नॉट। सो इफ दिस इज माई पॉइंट एन नॉट द फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। सो एक ये चीज इसमें बहुत ध्यान देने वाली है। उसके बाद हम इन तीनों की ना कंपैरिजन चार्ट समझते हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो हमारा थीटा का चार्ट है, ये हमारा है बिगो का चार्ट, और ये हमारा क्या है ओमेगा का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं मेन फंक्शन हमारा ये है, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस फंक्शन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस फंक्शन, ओके, एंड हियर दिस इज आवर फंक्शन एंड हियर दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन नॉट आफ्टर विच वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द एल्गोरिथम। सो थीटा क्या बोलता है, मैं इसको ऊपर से भी बाउंड करूंगा और नीचे से भी बाउंड करूंगा, ठीक है।
हमारा बिगो नोटेशन क्या बोलता है, बिगो नोटेशन बोलता है कि केवल ऊपर से बाउंड करूंगा, मैं ऊपर की लिमिट सेट कर रहा हूँ नीचे की नहीं। एंड ओमेगा क्या बोल रहा है कि मैं नीचे की लिमिट सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टाइटली बाउंड है, ओके ये हमारे पास थोड़ा सा लूजली बाउंडेड है, ओके। अब अगर हमको यहाँ पे समझना है कि हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एवरेज केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, ये हमारे पास तीन केसेस होते हैं, तो इन तीनों केसेस में हमें कौन सा वाला एल्गोरिदम का एनालिसिस यूज करना है। तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम होती है, ठीक है, तो वो एल्गोरिदम के लिए हम तीन केसेस निकालते हैं, एक होता है हमारा बेस्ट केस, एक होता है हमारा वर्स्ट केस, और इन दोनों केसेस के बीच में हमारा पड़ता है एवरेज केस। ये जो एवरेज केस होता है ये कभी कभी बेस्ट केस की तरफ टेंड करता है और कभी कभी वर्स्ट केस की तरफ टेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये बीच का होता है, बिटवीन दी बेस्ट एंड दी वर्स्ट केस। सो नाउ व्हाट बेस्ट केस सेज, व्हाट वर्स्ट एंड व्हाट एवरेज हैज टू से। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास वर्स्ट केस का क्या मतलब है। सो इन वर्स्ट केस एनालिसिस वी कैलकुलेट दी अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम, वी मस्ट नो दी केस That causes maximum time for the operation to get executed. It means हमारे पास बिगो का notation जो है वो use होता है for the calculation of the worst case or the representation of the worst case. So जो बिगो का notation है वो क्या बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना time लोगे, GN का time लोगे for a calculation of FN algorithm. So what it is saying, this is the maximum that a particular algorithm can go up to. So ये हमारे पास क्या हो गया, worst हो गया, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक एल्गोरिदम लेती है टाइम 10 सेकंड्स का एग्जीक्यूट करने के लिए और मैंने उसका अपर बाउंड 20 सेकंड बोला। अपर बाउंड 20 सेकंड बोला मतलब कि एक एल्गोरिदम जो 10 सेकंड आइडियली ले रही है वो 20 सेकंड से ज्यादा तो किसी भी केस में नहीं लेगी, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट जाएगी तो कितना, 20 सेकंड। सो ऊपर कितना से कितना आगे जा सकती है वो हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, और वर्स्ट केस सिनेरियो जितने भी हमारे होते हैं उनको हम बिगो में रिप्रेजेंट करते हैं। After that we have the best case. Best case समझते हैं, उसके बाद एवरेज केस आसान होता है समझने के लिए। सो बेस्ट केस को कहते हैं बोगस एनालिसिस, क्योंकि बेसिकली इस तरह का कुछ होता नहीं है। आइडियली जो हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं वो वर्स्ट केसेस के लिए डिजाइन होती है, बेस्ट केसेस हार्डली एग्जीक्यूट होते हैं। तो इन बेस्ट केस वी कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, वी मस्ट नो द केस दैट कॉजेस द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑपरेशंस टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक एल्गोरिदम एफ ऑफ एन है, इसको कितना भी कम इनपुट दोगे ये जी ऑफ एन से नीचे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एल्गोरिदम आइडियली 10 सेकंड लेता है तो कितना भी कम इनपुट दोगे मिनिमम इसको 5 सेकंड तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे बोल रही हूँ कि कितना कम से कम समय लग सकता है, तो कम से कम समय क्या होगा हमारे लिए बेस्ट होगा, और बेस्ट केस एनालिसिस में हम यूज करते हैं दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो यहाँ पर इस तरह से हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एवरेज केस एनालिसिस आता है। एवरेज केस एनालिसिस हम कभी कभी करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हमारा एवरेज केस होता है वो बेस्ट केस की तरफ टेंड करता है, तो उस केस में हम एवरेज केस को कंसीडर कर देते हैं। और यहाँ पे हम सारे पॉसिबल इनपुट आउटपुट को लेते हैं कितना टाइम ले रहा है, और फिर हम इनका एवरेज बेसिकली कैलकुलेट कर देते हैं, एंड देन वी एक्चुअली सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव पुट ऑन एज इनपुट एंड व्हाट इज द थिंग, ओके। सो जो हमारा वर्स्ट केस आएगा वो बिगो में आएगा, एवरेज केस हमारा इस तरह से आएगा, और जो बेस्ट केस आता है वो हमारा ओमेगा नोटेशन में आता है, क्योंकि ओमेगा नोटेशन हमारे लिए क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। एवरेज केस हमारे लिए थीटा नोटेशन है, विच इज टाइटली बाउंड, जहां पे हमको एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कितने, ये हमारा मेन फंक्शन है, वो किस रेंज तक वेरी कर सकता है वो हम देख लेते हैं। तो ये पूरे एनालिसिस की कैसे आपका काम करता है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड एवरेथिंग, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिथम। So if you understand this thing, now just go and understand what is the time complexity and the space complexity of a binary search tree of, let's say, insertion sort, selection sort, quick sort, binary search, linear search. Just try to understand how they are being calculated. When we say worst case ko hum represent karenge bigo mein, why we say worst case ko bigo mein represent karenge? So I think from this video you get a better clear understanding how every case is categorized, how we have to identify ki ye kaun sa case hai, okay. यहाँ पर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करी, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मैटर नहीं करता है। ये मैटर क्यों नहीं करता, यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन,
एज आई हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेरी मेनी टाइम्स इन आर अदर वीडियोज एज वेल, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होता है। द हिंट फॉर यू इज लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीपीयू रिलेटेड है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिलेटेड टू द मेमोरी। नाउ यू हैव टू गेट दिस आंसर व्हाई वी डू नॉट बॉदर सो मच अबाउट दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाई वी बॉदर अबाउट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर कॉन्सेप्ट फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन विच आर अराउंड द कॉर्नर। सो टिल दैट टाइम स्टे अपडेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल्सो गो एंड हिट एंड चेक आवर वेबसाइट दैट इज www.iexambi.com। वी आर having many offers running for you guys, so you can get and see the courses that are being available in our portal. We have courses for all of the three streams and you can just check on them. And if you have any query, you can write to us at hello@iexambi.com or you can just visit our website or you can mention everything at comment section and we'll be happy to help you out. So that was it from my side for this video. See you in the next video.